हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तत्काल प्रभाव में सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए दोस्तों। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स चल रहा था दोस्तों, इसमें मैंने 41 क्वेश्चन आप लोग को कराया था, आज उसी के आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सही है। और संविधान की अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्या सही है? केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है। इसके बाद देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह सीधे जी जाने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार भी शामिल होने का निर्णय दिया था। अगला देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। तो क्या सही है? सी सही है, 1 और 2। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करवाना व बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इस अनुच्छेद 23 के माध्यम से बलात्श्रम को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक काम में संलग्न नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने की दशा में आर्थिक दंड या जेल या फिर दोनों की सजाओं का प्रावधान है। अगला देखिए दोस्तों, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए क्या है। मनुष्य जाति का अवैध व्यापार का निषेध, किसी किस्म पर बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी पर रोक, फिर इसके बाद देखिए बाल मजदूरी पर रोक। तो इसमें क्या सही है? बी सही है, केवल 1, 2, 3, 4। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मनुष्य जाति, अवैध व्यापार का निषेध, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी पर रोक इत्यादि शामिल है। अगला देखिए, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फोन टैप किया जा रहा हो तो उसके किसी पक्षों को सार्वजनिक किया गया तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो निजता का अधिकार। यहाँ पर देखिए, निजता के अधिकार के कारण किसी व्यक्ति को के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है, ना ही फोन टैप किया जा सकता है। निम्नलिखित युग्मों में बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अभिव्यक्ति और सजा पाने की इसमें क्या है? दूसरा, ये है इसका दूसरा है, अनुच्छेद 22। शिक्षा का अधिकार देखिए किसमें है, तो शिक्षा का अधिकार है आपका अनुच्छेद 21-3 है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार 19(1)(b) में है। कोई पेशा चुनने या अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g). तो इसमें क्या सही है? ए सही है। यहाँ पर देखिए, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार अनुच्छेद 22, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a), शांतिपूर्ण ढंग में जमा होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b), कोई भी पेशा चुनने के व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 1(g). समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो कानून के समक्ष समता, ये भी सही है। धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर, ये भी सही है। रोजगार के अवसर की समानता, ये भी सही है। छुआछूत का, ये भी सही है। उपाधियों का अंत, तो इसमें क्या है दोस्तों? सभी सही है। इसके बाद देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समता के अधिकार में उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। कानून की समक्ष समता अनुच्छेद 14, मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15, रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतरधार्मिक समानता
भारतीय संकल्प के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल पर है, तो ये गलत है, बी गलत है दोस्तों। इसके बाद देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंततः धार्मिक और अंतरधार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता बल्कि अंतरधार्मिक समानता भारतीय संकल्प के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलित और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के आधार पर किए जा सकने वाले खतरों को समान रूप से विरोध किया और इसे हर आदमी को अपने पसंद का धर्म मानने का अधिकार तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्था कायम रखने का अधिकार है। अगला देखिए, समता के अधिकार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये क्या है दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समता के अधिकार के अंतर्गत की छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया, सी सही है, एक दो। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15, इस अनुच्छेद से उपबंध है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इससे किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 क्या है, स्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार में ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी और कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देनी है तो बाध्य नहीं किया सकता, उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद देख लीजिए, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ देखिए, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। इसके बाद देखिए, इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आधार पर वह कोई गैरकानूनी कार्य करने वाला है फिर भी उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है, तो सी सही है, एक और दो। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने के लिए हथियार सौंपता है किंतु कभी कभी इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निवारक निरोध विधि के तहत कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है और 3 माह से अधिक के लिए ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर क्या है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, न तो एक न तो दो। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। समाज में व्याप्त बुराइयों, मानव बलि, सती प्रथा, बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा विधि द्वारा उठाए गए इन कदमों को स्वतंत्रता की आधार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी है। संविधान धर्मांतरण, भय या लालच दिखाकर या जबरन धर्म परिवर्तित करने की इजाज़त नहीं देता है। संविधान हमें केवल अपने धर्म की सूचनाओं का प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है जिससे लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित एवं उसका अंतःकरण कर सके। अगला देखिए, मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों,
यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसकी अध्यक्ष विदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, गलत है। इसकी सिफारिश को 1990 में लागू किया, ये भी गलत है। इसकी सिफारिश द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, ये भी गलत है। सरकार द्वारा इसकी सिफारिश को लागू करने का सभी वर्गों ने स्वागत किया, तो केवल 4 सही है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा विदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया, इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इसने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की। इस आयोग ने सरकारी नौकरी व शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों 27% आरक्षण आरक्षित करने की सिफारिश की। इसकी सिफारिश को 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह द्वारा लागू किया गया। दक्षिण भारत के राज्यों में 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था, लेकिन यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। सरकार द्वारा आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के फैसले में उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्व उभरा। इस फैसले को न्यायालय में चुनौती भी दी गई। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में किया गया। अगला देखिए, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परिकल्पित है दोस्तों, तो मानव देह व्यापार बंधुआ मजदूर का निषेध। अगला देखिए, इसके बाद क्या है, यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये गलत है। और फिर इसके बाद देखिए, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, ये भी, कारखानों और खदानों के बच्चों के लिए नियोजन का निषेध, ये सही है। तो सी 1 और 4 सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत मानव व्यापार बलात्श्रम का निषेध तथा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध सम्मिलित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसकी विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है शक्तियों का परिसीमन, और दूसरा क्या है, विधियों के समय समता। फिर इसके बाद सरकार के प्रति जनहित उत्तरदायित्व, तो गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये सही है। तो 1, 2, 4 सही है। ब्रिटिश न्यायविद AB डाइस का मानना है कि विधि की समय समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जिससे नागरिक अधिकार तथा स्वतंत्रता विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। शक्तियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन परिश्रमन विधि के शासन की अहम पक्षों में से एक है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो ये दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।